हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नव्य राजपूत। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बाबा रामदेव के नए आईपीओ के बारे में, रुचि सोया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप कंपनी यानी कि रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ को जो है वो मार्केट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मार्केट रेगुलेटर SBI से ग्रीन सिग्नल मिल गया है फॉर द फॉलो ऑफ पब्लिक ऑफर। तो ये जो कंपनी है रुचि सोया, वो जो है अगले हफ्ते 4300 करोड़ का FPO ला सकती है। SBI फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो मिनिमम पब्लिक की होल्डिंग होनी चाहिए वो 25% की होनी चाहिए। वही शर्त को पूरी करने के लिए रुचि सोया FPO ला रही है। प्रमोटर्स को FPO के जरिए 9% की अपनी जो है वो हिस्सेदारी कम करनी है। अभी जो है प्रमोटर ग्रुप की 98.90% हिस्सेदारी है। SBI फॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स को जो है वो अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% तक लानी होगी। उसके लिए जो लोगों को टाइम मिलेगा वो मिलेगा दिसंबर 2022 तक। इस FPO से मिलने वाले फंड से वो जो कंपनी है वो अपनी उधारी चुकाने वाली है। ये जो फंड है जो कंपनी जुटा रही है तो उसका वो क्या करेगी? रुचि सोया की जो स्थापना 1986 में हुई थी और SMCG ब्रांड्स के साथ ऑयल सेगमेंट शामिल है। साथ ही देश में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सोया फूड मैन्युफैक्चर के साथ शामिल है। पतंजलि आयुर्वेद ने जो है वो 2019 में इंसॉल्वेंसी के जरिए खरीदा था। बाबा रामदेव का हाल ही में कहना था कि जो 2 साल के अंदर है वो डेब्ट फ्री कर देंगे कंपनी को। और कंपनी का कहना है कि FPO से मिलने वाली रकम यानी कि 2663 करोड़ वो कंपनी को डेब्ट फ्री करने में लगाएंगे और 593 करोड़ वो वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे और बाकी का जो रकम बचेगा उसको जनरल कॉरपोरेट पर्पस में यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी हम लोग को FPO से बाबा रामदेव के FPO से मिलने वाली वो न्यूज़। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी ऐसी ही वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे इसीलिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।